हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है ब्रार और आप देख रहे टेक्निकल अपडेट। दोस्तों क्या कहूँ, स्वामी ने क्या किया। हम भैया थे बीटा में, आप सबको जानते हैं, बहुत सारे लोग बीटा वर्जन में है, जो 8.8.2 है MIUI 10 का ग्लोबल जो बीटा रोम है उस पर है, लेकिन वो अब सस्पेंड कर दिया गया है और डेवलपर रोम बन चुकी है वापस। 8.7.26 आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको 8.7.26 डाउनलोड करनी पड़ेगी। हम जैसे यहाँ पे चेकिंग हो गई, देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अपडेट तो नहीं है मुझे पता है, एक सेकेंड वापस चलते हैं। तो भैया मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या एरर आ रहा है और क्यों आ रहा है, सब कुछ बताने वाला हूँ। सब जो भी 8.8.2 पे है वो उनके लिए भैया ये दोस्तों डेंजरस न्यूज़ है। यहाँ पे वर्स्ट न्यूज पे मैं गया तो यू डो नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस द अपडेट लॉग, मेक अ श्योर द अकाउंट यू साइन इट विद द हैज़ द रिक्वायर्ड परमिशंस, ऐसा लिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार मैं टैप करता हूँ चेकिंग पे, एक सेकेंड मैं सिर पहले अपडेटर को रिमूव कर देता हूँ, फिर से चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप सीक्रेट लिखा रहा है, क्यों ऐसा रहा है। तो भैया मैंने बताया कि 8.8.2 जो है वो Xiaomi ने सस्पेंड कर दी है, जिसका मैं आपको ऑफिशियल यहाँ पे पेज जो Xiaomi का उस पर मैं दिखा देता हूँ। Redmi Note 5 Pro है, 8.7.26 हो चुका है वापस MIUI 10 का डेवलपर रूम। Xiaomi ने क्या किया, मैं आपको miui का भी दिखा देता हूँ, थोड़े से फ़ोन का दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो डेवलपर रूम आ ही नहीं रही है क्योंकि अभी भी रिलीज नहीं हुई। मैं आपको कौन सा दिखाऊं जिसमें रिलीज़ हो चुकी है वो, तो मैं मी मैक्स 2 दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8.7.26 कहीं पे भी 8.8.2 नहीं है, सब जगह 8.7.26 हो चुकी है, क्योंकि भैया Xiaomi ने कर दी है डिलीट, जिसे कहते हैं हम सस्पेंड। मैं जाने वाला हूँ डेवलपर रोम में, स्टेबल रोम में MIUI 9 की Redmi Note 5 Pro में। तो दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों Xiaomi ने डिलीट कर दी अपनी रोम, सस्पेंड कर दी रोम, मुझे पता नहीं है, कम्प्लीटली न्यूज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्या करता है Xiaomi। अगर Xiaomi को भैया लगता है ये रोम में, मुझे कोई बग तो नहीं मिला, ज़्यादातर दो तीन बग तो मिले नहीं है, लेकिन दो तीन बग हैं मेरे ख्याल से। लेकिन आपको भैया सस्पेंड करने की क्या ज़रूरत है, पहले आपके डेवलपर को भैया पगार अच्छी दो, और या फिर डेवलपर बुलाओ अच्छे। सस्पेंड न्यू रोम, सस्पेंड न्यू रोम, सस्पेंड, ये क्या कर रहे हो आप। यहाँ पे तो भैया सब यूज़र जो Redmi Note 5 Pro यूज़र्स है या फिर अदर यूज़र्स है, उन सबका दिमाग खाली हो चुका है, क्या कर रहे हो। अपडेट सस्पेंड, ये सब नहीं चलता दोस्तों यहाँ पे। अगर आप अपने यूज़र्स को खुश नहीं रहोगे, वो किसी और ब्रांड की तरफ चले जाएंगे। भैया Xiaomi को भैया ये गलती अपनी सुधारनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलियनों में ये Xiaomi के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में तो Xiaomi को सोचना ही चाहिए कि भैया आपने जब चाहे तब सस्पेंड कर दी, जब चाहे अपडेट कर दिया, क्या कर रहा है Xiaomi। बहुत ही डेंजरस ये खबर है, मैंने आज ही देखी और मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ। मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ गलती हो चुकी होगी, बग होगा, तो मैं गया यहाँ पे डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में सर्च किया अपनी रोम को, यहाँ से जैसे क्लिक किया तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे स्टेबल तो 9.5.19 है, लेकिन बीटा 8.7.26 है। ये कुछ डेंजरस खबर है मेरे लिए तो दोस्तों, स्पेशल है क्योंकि भैया मैं बीटा पे अच्छा, मैंने सोचा था कि बीटा अच्छा होगा, मैं वही रहूँगा, ग्लोबल पे नहीं आऊँगा। मुझे क्या पता ग्लोबल पे आना पड़ेगा, मुझे पर थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि Xiaomi एक और रोम के साथ ऐसा करेगा। 8.7.19 या फिर 17 था लगभग, उसके साथ भी Xiaomi ने ऐसा किया था, वो भी रोम सस्पेंड कर दी Redmi Note 5 Pro के लिए। मुझे दूसरे फ़ोन्स के बारे में उस वक्त नहीं पता था, मेरे Note 5 Pro यूज़र्स मैं यूज़र हूँ, इसलिए मैं उसी के बारे में पता है मुझे, वो भी उन्होंने सस्पेंड कर दी थी। पता नहीं क्या कर रहा है Xiaomi। हाँ भैया Xiaomi के डेवलपर्स को सुधार अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो भैया नहीं चलता।
मैं पहले तो था मैसिक रूम पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना मेरा फ़ोन का बूट लोडर भी अनलॉक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बूट लोडर भी अनलॉक है और TWR कस्टम रिकवरी भी मेरे में, और मैसिक रूम भी मैं आपके दिखा देता हूँ। मैं मैसिक पे था लेकिन मैं वापस मैंने डाउनलोड किया रूम को और मैं वापस आया अपने रूम में। मैंने सोचा कि चल मैं वही रहता हूँ 8-8-2 पे, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ ये रही 8-8-2। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे पास से सहमत है कि डिस्ट्रामी के डेवलपर्स को बदलिए या फिर पगार अच्छी दीजिए या फिर कुछ कीजिए, तो दोस्तों अगर मेरे पास से सहमत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं छोड़ एक पोल छोड़ रहा हूँ ऊपर, तो भैया कि आप इससे खुश है, खुश है आपके दिमाग में भैया कि शामी को ऐसा करना चाहिए, शामी के रूम्स और सस्पेंड भी स्वामी ने कब की, और लिंक देने के 5 दिन बाद, डाउनलोडिंग करने के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कब की वो मुझे पक्का याद नहीं, 3-4-5 दिन बाद उसने सस्पेंड किया। क्या ऐसा करना चाहिए था स्वामी को कि स्वामी की सर्विस कैसी है ऊपर दिए गए प्रोग्राम, मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।